Legend. भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री तथा दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल का दमोह नगर मंत्री बनने के पश्चात प्रथम बार आगमन हुआ, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ, तो वहीं दूसरी ओर पत्रकारों से भी उन्होंने भेंट कर अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि भारत में अपार संभावनाएं पर्यटन को विकसित करने की है। उन्होंने पर्यटन के लिए नई नीति जल्दी बनाने की बात सामने रखी। पटेल ने कहा कि नर्मदा नदी के उद्गम से लेकर खंभात की खाड़ी तक एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। बुंदेलखंड में भी अनेक संभावनाएं पर्यटन को विकसित करने की सामने है। प्रहलाद पटेल ने दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले कुंडलपुर की रुक्मणी और अंबा मठ की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि रुक्मणी मठ में रुक्मणी देवी की मूर्ति शीघ्र ही विराजमान होगी, साथ ही अनेक जो योजनाएं हैं उसके संबंध में प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने विचार रखे, पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। हम आपको बतला दें कि भारत की आजादी के पश्चात पहली बार किसी सांसद को भारत सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। दमोह के लिए सौभाग्य की बात है। प्रहलाद सिंह पटेल दूसरी बार दमोह से सांसद बने हैं और इसके पहले वो सिवनी और बालाघाट के भी सांसद रह चुके हैं। श्री वैष्णव परिवार द्वारा भी प्रहलाद सिंह पटेल का स्वागत किया गया, पुष्पहार से और श्रीफल से सॉल से स्वागत किया गया प्रहलाद सिंह पटेल का। पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव ने एक धन्यवाद पत्र किसानों के द्वारा जो दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, वह भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए प्रहलाद सिंह पटेल को सौंपा। आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने आजादी के बाद पहली बार भारत सरकार में दमोह को प्रतिनिधित्व दिया है, इसलिए मैं उनका और अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। रहा सवाल माँ नर्मदा के प्रोजेक्ट का, वो पहले भी 2014 से 19 के बीच में 2018 में अमरकंटक से वो प्रोजेक्ट लिया गया था, उसमें वेड़ाघाट भी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अमरकंटक से लेकर खम्मात की खाड़ी तक हम अपनी एक नई जो पर्यटन नीति बनेगी उस कल्पना को उस पर हम रखेंगे, और इसलिए मुझे लगता है कि जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो बात भी हम आपके सामने विस्तार से रख पाएंगे। क्या संभावना नहीं, पर्यटन में भारत बड़ा है, भारत की संस्कृति बड़ी है, पर्यटन संस्कृति के आधार पर चलता है। हमारे पास वो सब कुछ है कि जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे। आज दुनिया चाहती है कि हम ऐसे जगह पर जाएं जहां पर अट्टालिकाएं ना हों, वो हमारे पास है। दुनिया में देश में किसी के पास सिर्फ समुद्र है, किसी के पास सिर्फ जंगल है, किसी के पास सिर्फ भवन है, हमारे पास तो सब कुछ है। हमारे पास रीतियाँ अलग हैं, लोगों को रीतियों को आनंद चाहिए। दुनिया में नकली जेल बने, लोग जेल जाकर अनुभव लेना चाहते हैं अपना पैसा खर्च करके, तो मुझे लगता है कि नब्ज से टटोलने की ज़रूरत है कि दुनिया में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं उनकी रुचियों में, उसके आधार पर किसी की कितनी भी रुचि बदल जाए, हिंदुस्तान में उसकी रुचि के मुताबिक स्थान है। सवाल है कि हमको चिन्हित करने की ज़रूरत है, प्रचारित करने की ज़रूरत है। नहीं, बुंदेलखंड में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पर जहाँ पर ऐतिहासिक धरोहरें हैं, पुरातात्विक स्मारक यहाँ पर हैं, बाकी हमारे साहित्य और कला के बहुत ज़बरदस्त स्थान यहाँ पर हैं, यहाँ पर पर्याप्त संभावनाएँ हैं। सवाल है कि हम उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि ये चीज़ें संदेश के रूप में देश और दुनिया में जाए। प्रश्न के उत्तर में प्रहलाद सिंह पटेल ने रुक्मणी देवी मूर्ति के संबंध में कहा, रुक्मणी देवी की मूर्ति बहुत जल्दी गरिमा के साथ अपने स्थान पर आएगी, और मुझे लगता है कि वो गरिमा उसे मिलनी चाहिए, और अभी तक वो हमारे राज्य के पुरातत्व के पास है। मैं उस पर निश्चित रूप से तय करूँगा कि वो ASI के पास हो, भारत के हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास हो, ताकि वो उसकी गरिमा निरंतर बनी रह सके।
आपने पर्यटन नीति की बात की है कि पहली बार ऐसा मौका पर्यटन नीति लागू की जाएगी, क्या उद्देश्य रहेगा? क्या आस्था से जुड़ी रहेगी या फिर कोई इतिहास से जुड़ी रहेगी? कैसे? मुझे लगता है कि संस्कृति में सब चीज़ें आती हैं, इतिहास भी आता है, बाकी चीज़ें भी आती हैं। हमारी संस्कृति पर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए और इसलिए मुझे लगता है कि परसेप्शन हम सबके को ठीक करना होगा और ये परसेप्शन कुंभ के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में एक साल में पूरा हो गया और यूनेस्को ने खुद हमारे एक धार्मिक कार्यक्रम को माना कि धरती का सबसे बड़ा जमावड़ा है जो सबसे बेहतर है। तो मुझे लगता है कि इसको कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। भारत की संस्कृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वसुदेव कुटुम्बकम की बात करती है और यूनेस्को ने कुंभ के मेले को सर्टिफिकेट दे के साबित कर दिया। इसके पहले जो हमारे बारे में परसेप्शन था वो गलत था, ये तय हो गया। तो धारणा गलत बनी है तो उसको तोड़ना भी हमारा काम है। हमारी जो सही धारणा है वो देश और दुनिया के सामने जाए, ये हमारा काम है। क्या माना जाए कब तक ये नीति दो महीने में आ जाएगी? पहले भी काम हुआ है, ड्राफ्ट तैयार है, कोशिश होगी कि जो प्रधानमंत्री जी ने समय दिया है 100 दिन के भीतर मेरी कोशिश होगी कि उसमें मैं कर पाऊँ। आप पर्यटन नीति की बात कर रहे हैं, पर्यटन नीति पर लाएंगे किस तरह से बुंदेलखंड को स्थान दे पाएंगे? मैं जब तक पर्यटन नीति का ड्राफ्ट सार्वजनिक ना हो, मुझे लगता है या प्रस्तुत ना हो जाए नीति, मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बुंदेलखंड अपने यश और गौरव के जो उसको चाहिए वो स्थान प्राप्त करेगा। समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज़। नमस्कार।